लो साहब, बिजली वाला मारा भाई ना आखा जगत में करंट बाटे। काले कजे कौन सी नागिनी आपनो आखो पावर हाउस छोड़ेगी। कार्तिक मेला वाला जोन में अवैध जत कर्मचारी बहन पहुंचा तो आए वहीं से सरर 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 आवाज आए। पहला नजरअंदाज करी गया, जब ज्यादा देर हुईगी निगाह दौड़ाई तो एक पुछंडी दिखी और थारी की बड़ो जंगल नाक थोड़ा न बहुत कोई 8 फीट को मणक से लंबो 440 वाल्ट को झटकोत खाना थो। आखा ऑफिस का कर्मचारी बाहर ने नाग महाराज अंदर आने बीच कोई को फोन आ भैया हमारी लाइट, अरे थारी लाइट की पड़ी या हम फ्यूज हुआ पड़ा। नाग पकड़वा वाला बुलायो, वो आई क्या के वक्त हमारे यहाँ तो सामान नहीं जितरो, नाक कहाँ से ढूंढू। वाह भाई साहब, सगला बिड़िया तो ऑफिस को सामान मैदान में लेकर पटकी दियो। एका बात कही नाग महाराज ने दर्शन दिया, विन के डिब्बा में डालियो ना हाथ जोड़े विदा कर जत कही ऑफिस जमी पायो। विद्युत मंडल कार्तिक हनुमानगढ़ स्थित बिजली विभाग है। यहाँ पे रात्रि में हमको पता चला है कि 3 साल बुझ गए हैं लगभग 4 से 5 फीट के, जिसका वीडियो भी बना हुआ है। तो सांप को ढूंढने के लिए सामान थोड़ा सा शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सांप पकड़ में आ जाए और जो भी ऑफिस है सुचारू रूप से वापस चलाया जा सके। मांकाल रजक मंदिर में दलाल उन्ने जड़ी तरीका गदर मचाई रखे नी। विकालिया कलेक्टर तो पहला चिंता में है सही, अबे जनप्रतिनिधि भी आवाज उठावा लगी गया। गठिया वाला विधायक भैया सतीश मालवीय साहब ने तो इना मामला में बकायदा चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी के सामने यो मामला उठायो। सतीश जी लिखे के मंदिर में बागड़ खेत खरी है, मने जड़ी क्रिस्टल कंपनी सुरक्षा वास्ते लगाए विकास कर्मचारी दलाली में लगी गया। आई प्रशासक जी मणाल मीणा जी बताई रहा कि मंदिर में जितनी भी अव्यवस्था उन समय आई रही नहीं सगलिक निकाल कर टेम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि काफी दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से या आसपास के हमारे कई सारे लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ थोड़ी कठिनाई आ रही है दर्शन करने में, उनको असुविधाएं हो रही है, कई तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। निश्चित ही चूंकि हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, समाज में बैठने वाले लोग हैं, हम सब लोगों का नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था को दूर करने के लिए हम बात करें। तो उसकी हम समीक्षा करके जो उनके सुझाव हैं उसको समझ रहे हैं और उसमें क्या आगामी कार्रवाई करके और उनके मंशानुरूप कैसे हम बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करने का अभी काम शुरू किया है। मंदिर की बात चली रही थी, मंगलनाथ जी महाराज का दरबार का भी एक समीचार ले लो। यहाँ 2004 का सिंगल से जो काम चल हुए तो आज तक पूरा नहीं हो पायो। हाँ इतरो जरूर है गया 20 साल में मंदिर आखो बदली जरूर गयो, पहला ज्यादा भव्य ने पहला ज्यादा विशाल। यहाँ का लिए 5-10 करोड़ को एक काम मंजूर भी हो कई के स्टोन क्लोडिंग। सीधी सट भाषा में हम जाऊँ तो मंदिर में लगे लाल पत्थर उनके जैसे ही ना मरम्मत को काम। बुधवार कलेक्टर नीरज जी यहाँ मंदिर में पहुंचे, काम वाम की रूपरेखा कई होगा यो तय करियो। मन में महादेव हो तो तन मंदिर बनी जाए, मंदिर में भोग लगावा बात आए तो खाली शुद्धता चाहे। मने कुल जमा कहानी या के तन का खातर चाहे शुद्ध भोजन उज्जैन का स्वाद में। अबे 4 चांद लगा वास्ते आई गयो है एक और प्रतिष्ठान महादेव ढाबा। यहाँ आपके स्वाद भी मिलेगा ना शुद्धता भी, यहाँ आपके मिलेगा नाश्ता की व्यवस्था अलग, भोजन की अलग, बच्चा बच्ची उनका खेल कूद की जगह अलग। भोजन को स्वाद ऐसो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जैसो, भले अजमाई लो खट्टा खट पत्तो भी सुनी लो। तपो भूमि पकड़ो नवो देवास वाला 4 लेन पेलो पुल पार करियो पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। धार्मिक नगरी जुड़े एक और समाचार, सिंगत का पहला रामघाट आड़ी से दत्तखड़ा आड़ी नवो अच्छो खासो चौड़ो पुल बनावा तैयारी है। इका अलावा कर्कराज पार्किंग आड़ी से भूखी माता के सामने भी एक नवो पुल बनावा तैयारी हुई रही है। काले संभागायुक्त जी संजय गुप्ता साहब अधिकारी उनको लवाज में लेके इन क्षेत्र में निकलिया, जो काम सिंगत की योजना में जुड़ी गया विनकीप जी के देखे जो नवा जुड़ना विनका लिए राय ली। नब्बे का बाद से उज्जैन में जो मिला उन बंद होनी शुरू हुई तो एक खाली मंडी ने आखा शेर में रोजगार के जिंदा रखे दो। 30 साल का सुखा के बाद अब कई डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनिया तो उज्जैन में नवा रोजगार उन आना शुरू हुआ। एक खुशखबरी सुनी लो, देश की एक बड़ी कंपनी है वोल्वो आइसर आनी कंपनी के मालिक विनोद अग्रवाल जी काले उज्जैन आया था।
इनने देवास रोड आड़ी की विक्रम उद्योगपुरी जमीन देखी। अग्रवाल जी यहाँ कोई 100 एकड़ में नवो कारखानो खोलवा का इच्छुक है। कदी यो मामलो सही साइड बैठी गयो नी तो मानो 5-10 हजार घर उन पली सकेगा, इतरो रोजगार बढ़ी जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उज्जैन को किस प्रकार से औद्योगिक पटल में एक बड़ा नाम किया जाए, इसके लगातार प्रयास चल रहे हैं। और मार्च में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था उज्जैन में, काफ़ी सफल रहा था और उसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को उज्जैन के जो भी पोटेंशियल है उसके बारे में अवगत कराया गया था। तो इसी कड़ी में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ अप्रोच कर रही है। और कल जो विनोद अग्रवाल जी है, जो कि वॉल्वो आइसर के एक बहुत बड़ी कंपनी है भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उनके MD यहाँ पधारे थे। उन्होंने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि वो भी एक बड़ा प्लांट अपना जो भी फ्यूचर का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे करेंगे। तो हमने जो भी उपलब्ध लैंड है उनको दिखाया है और पूरा आश्वस्त किया है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी हर संभव सहायता है शासन की तरफ से या विभाग की तरफ से वो की जाएगी। एक भी है नी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाला गया थोड़ा दिन से व्यासपीठ से कजे कई कई बोली रहा, कदी राधा रानी माँ का बारा में कई बोली रहा, कदी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बारा में, आखा देश में इनका बोल बच्चन उनको विरोध हुई रहो। उज्जैन का साधु संत उनने, तीर्थ पुरोहित उनने, इनने भी इना मामला में विरोध प्रदर्शन करियो। खाकचो काड़ी का एक गार्डन में संत उनने, पुरोहित जी उनने धरनो दैकेन विरोध जताया। मिश्रा जी तक बात पहुंचाई कि माफी मांगो, नहीं मांगो तो उज्जैन आड़ी आज मत। कि जैसा विरोध ब्रज में हुआ है इसमें 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वैसे ही प्रदीप मिश्रा को हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि माँ राधा रानी के मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांग, तभी हम उसको माफ़ करेंगे, नहीं तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। और आगे की अगर कुछ कार्रवाई करना पड़ी तो हम उसको यहाँ पर किसी प्रकार का उज्जैन में प्रवेश नहीं होने देंगे और ना ही उनकी कोई कथा होने देंगे। रंजीत हनुमान जी महाराज का सामने वाला माँ कामाख्या धाम पे बुधवार 5 दिनी अंबुवची महापर्व की पूर्णावति वही आनी मौका पे माँ कामाख्या माई को बारह साया कमल का फूल उनसे अभिषेक भी हो। 13 ही अखाड़ा साधु संत उनने माँ की आराधना करी, कन्या उनको पूजन करी उन प्रसादी पाई। दत्त अखाड़ा वाला पीर जी महाराज सुंदरपुरी जी, कामाख्या धाम वाला महन जी आनंदपुरी जी, महन डॉक्टर रामेश्वर दास जी, इनकी अगुवाई में हुआ इना धार्मिक आयोजन में मारा काका साहब गुलाट गुरु जी, बड़ा भाई गिरीश शास्त्री जी, पंडित लोकेश गुरु जी ने दूजा और भी भगत जगत उन शामिल किया था। आज अंबुवाची महापर्व की पूर्णा होती थी आज, तो 22 तारीख को माता जी के पट बंद हुए थे अभिषेक इत्यादि करके और नवचंद्र अनुष्ठान चला 5 दिवसीय, और आज जो है उसकी पूर्णा होती हुई है अखाड़े के पंचदशम दिन अखाड़े के श्री महंत आनंद पुरी जी के द्वारा जो है माता जी का अभिषेक किया गया और महाआरती हुई और सब संतों का भंडारा कन्या भोजन किया गया।